सो हाय गाइस, कॉटलिन सीरीज़ के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। और इस वीडियो में हम व्हाइल लूप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हाइल लूप क्या होता है, उससे पहले लूप्स क्या होते हैं। सो प्रोग्रामिंग में लूप्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कोई ऑपरेशन अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना हो। कोई प्रॉपर एक्शन या सेट ऑफ ऑपरेशन दिया है और मुझे उसे अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना है, डिपेंडिंग ऑन सम लिमिट। कोई एक रेंज का आ गया है कि हाँ 10 बार करो, 12 बार करो, 20 बार करो, तो इन दैट केस भी हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन दैट केस हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। और मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज़ में ऐसा भी होता है कि जब तक कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक आप ये ऑपरेशन को क्या करो, परफॉर्म करते रहो। ओके, सो इन दैट केस हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में हमारा फोकस जो है वो व्हाइल लूप्स के ऊपर होने वाला है। विद प्रॉपर एग्जाम्पल हम सारी चीज़ों को समझेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। सो मैं सबसे पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। सी, हम व्हाइल लूप्स पे हैं। व्हाइल लूप्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक है नॉर्मल हमारा जो व्हाइल लूप है वो, और दूसरा इज हमारा डू व्हाइल लूप। ओके, सो डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, दोनों को हमें कब यूज़ करना है, सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट देयर बॉडी कंटिन्यूसली व्हाइल देयर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अभी मैंने आपको दो टाइप के बताया कि जब हम मुझे कभी कभी तब लूप करना होगा जब मेरा एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हो, राइट। सो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करते हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो अपने बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। बॉडी का मतलब क्या, सी व्हाइल लूप के अंदर ये जो दो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके बीच में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो उसका बॉडी है। तो जो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे वो तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये व्हाइल के अंदर आपने जो कंडीशन स्पेसिफाई किया है वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके, सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अभी व्हाइल और डू व्हाइल में, डू व्हाइल भी कुछ वैसा ही है। डू व्हाइल लूप में भी इसकी बॉडी यानी उसके दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो जो है वो एग्जीक्यूट होगा। कब तक, जब तक कि वहाँ आपने व्हाइल में जो कंडीशन स्पेसिफाई किया है जब तक वो सेटिस्फाई हो रही है तब तक आपका जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता रहेगा। नाउ एक और चीज़, अनलाइक फॉर लूप्स, जब हम फॉर लूप्स देखेंगे तो फॉर लूप्स में आप रेंज ऑपरेटर या इन ऑपरेटर जो है उसका यूज़ करोगे तो वहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है। अब एवरी टाइम लूप एग्जीक्यूट होके जब ख़त्म होता है तो उसकी वैल्यू जो है, जो वेरिएबल की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। फिर व्हाइल और डू व्हाइल के केस में आपको जो वैल्यू है उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ खुद ही करना है, उसके बॉडी के अंदर ही आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का ऑपरेशन देना है, यानी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो आपको व्हाइल के अंदर ही करना है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लेती है कि एक्स का वैल्यू जो है वो 5 है और मैं चाहता हूँ कि मेरा लूप जो है 5 times एग्जीक्यूट हो, तो मेरा कंडीशन इज जब तक एक्स ग्रेटर देन 0 है तब तक क्या हो, कंडीशन जो भी मेरा बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो, वो होगा। लेकिन उसके बाद में आपको 5 जो एक्स का वैल्यू है उसे डिक्रीज़ करना है, राइट। तो उसका जो लाइन है डिक्रीमेंट का जो पार्ट है वो हम व्हाइल लूप का जो बॉडी है उसके अंदर ही एकदम लास्ट में लिखेंगे। तो इसे हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए। नाउ एक सिंपल सा चीज़ डू व्हाइल लूप को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप के बीच में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इज द ओनली थिंग कि व्हाइल, ये बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है तो ध्यान से सुनिएगा, व्हाइल लूप जो है वो कंडीशन चेक करेगा, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तक वो क्या करेगा, अपना बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। डू व्हाइल लूप भी सेम चीज़ करेगा, पर डू व्हाइल लूप में भले ही आपका कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रहा हो तब भी आपका बॉडी जो है वो एटलीस्ट वंस एग्जीक्यूट होगा। यानी मान लेते हैं कि यहाँ पे जो व्हाइल लूप में जो कंडीशन दिया है वो पहली बार भी नहीं सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन तभी भी ये कंडीशन क्योंकि बाद में चेक हो रहा है और पहले ऑपरेशन हो रहा है इसके चलते एटलीस्ट कम से कम ये एक बार तो चलेगा। फिर जब वो कंडीशन चेक होगा और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो फिर से नहीं चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा। यानी आपने अंदर जो भी कुछ लिखा है वो एटलीस्ट वंस जो है वो क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये दोनों के बीच में, व्हाइल और डू व्हाइल के बीच में डिफरेंस है। सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही कंडीशन चेक करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दोनों अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपको खुद स्पेसिफाई करना होता है। पहले मैं एक मेन फंक्शन डिफाइन करता हूँ मेन, एंड मैंने यहाँ पे टैप प्रेस किया, यहाँ पे फंक्शन मेन आ चुका है। सो वेयर आई इक्वल्स टू, लेट्स से मैंने रखा 1। ओके, सो अब मैं व्हाइल लूप लगाऊंगा। मुझे बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो क्या करना है, 5 या 6 times प्रिंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाइल मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि i का वैल्यू जब तक लेसर देन या इक्वल है किसके, 5 के,
तो मेरा जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो। सो वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो मेरा बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगा। नाउ आई का वैल्यू शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 5। अगर आई का वैल्यू लेस या 5 के बराबर है तो ही मेरा जो बॉडी है जो भी मैं अंदर लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो व्हाट आई एम एग्जीक्यूटिंग इज सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट व्हिच इज दिस इज CS टेक ट्यूब। ओके ओनली दिस मच। नाउ अब ये आई का वैल्यू इनिशियली 1 है, अगर अब मैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करूँ और इस पूरे कोड को रन करूँ तो आप देखेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो भी मेरा ये लूप है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा। द रीज़न इज कि मैंने कहीं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं दिया है, हमेशा आई का वैल्यू जो है वो 1 ही रह रहा है। तो पहली बार चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, येस, तो ये प्रिंट कर देगा। फिर अगेन वो चेक करेगा कि आई का वैल्यू लेस देन इक्वल 5 है, तो अभी भी आई का वैल्यू 1 ही है, सो हाँ अगेन 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 और अगेन प्रिंट होगा। थर्ड टाइम भी चेक करेगा आई का वैल्यू 1 है, अगेन 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 वो प्रिंट करेगा। तो ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये लूप जो है वो चलता रहेगा। एक बार मैं रन करके भी दिखा देता हूँ। सी क्योंकि मैंने प्रिंट दिया है, प्रिंट ln नहीं दिया है, तो सब एक के बाजू में एक आ रहा है, दिस इज सी एक्सट्रैक्टिव, दिस इज सी एक्सट्रैक्टिव, और ये कंटिन्यूसली जो है ये रन होते जा रहा है। सो लेट्स टर्मिनेट दिस। ओके सो अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, बॉडी में हमेशा एट द एंड वाइल लूप के डू वाइल लूप के एंड में आपको क्या करना है, आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्पेसिफाई करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई को प्लस प्लस कर दूँगा, तो इसका मतलब क्या होगी, आई जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। सो फर्स्ट टाइम आई चलेगा, आई का वैल्यू होगा 1, 1 लेस देन इक्वल 5, येस 1 इज़ लेस देन इक्वल 5, प्रिंट होगा और आई का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। सो अब जब लूप चेक होगा तो क्या 2 लेस देन इक्वल 5 है, येस, तो अगेन प्रिंट होगा। अब आई का वैल्यू बढ़ के होगा 3, तो 3 लेस देन इक्वल 5 है, येस, सो अगेन प्रिंट होएगा। अगेन आई का वैल्यू बढ़ेगा, अब आई का वैल्यू होगा 4, अगेन 4 लेस देन इक्वल 5 है, तो अगेन प्रिंट होगा। अगेन आई का वैल्यू बढ़ेगा, अब 5 चेक होगा, आई का वैल्यू 5 है, तो 5 लेस देन इक्वल 5, येस 5 इज़ नॉट लेस देन बट इक्वल टू 5, तो प्रिंट तो अभी भी होगा। और उसके बाद में आई का वैल्यू अगेन बढ़ेगा, होगा 6। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या चेक होगा, ये 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो नो, 6 इज़ नॉट लेस देन इक्वल नॉट लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो प्रिंट नहीं होगा, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो एक बार रन करके इसे हम कन्फर्म कर लेते हैं। तो सी यहाँ पे मैंने प्रिंट ln नहीं दिया है, प्रिंट दिया है, इसी के चलते तो बाजू बाजू में प्रिंट हो रहे, दिस इज सी एक्सट्रैक्टिव, 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 यानी 5 टाइम्स अभी भी प्रिंट हुआ है। ओके प्रिंट ln दे देते हैं एंड एक बार और रन कर देते हैं। या सो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट। नाउ अगर सेम चीज़ मुझे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ करनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ सी जस्ट मैंने आई का इनिशियल वैल्यू बदला, नाउ आई इज़ इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर हम कंडीशन बदल देंगे, आई इज़ ग्रेटर देन 0, जब तक आपका आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है यानी 0 से ज़्यादा है तब तक आपका क्या होगा, दिस इज सी एक्सट्रैक्टिव प्रिंट होगा। और यहाँ आई का वैल्यू क्योंकि सी अभी आई का वैल्यू ज़्यादा है 5 है बराबर, और मुझे मेरे लूप को 5 बार चलाना है, तो ऑन ईच इटरेशन मुझे क्या करना होगा, आई के वैल्यू को एक एक कम करना होगा, और फाइनली जब 5वां इटरेशन होगा तब आई का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, डिक्रीज़ होके। ओके डिक्रीज़ होके जब 0 हो जाएगा फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा और प्रिंट नहीं होगा। ओके तो इनिशियली आई इज़ 5, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, प्रिंट, अगेन आई का वैल्यू 1 कम हो जाएगा, सो आई विल बी 4, 4 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, सो प्रिंट। नाउ अगेन डिक्रीमेंट होगा, 3 हो जाएगा, आई का वैल्यू 3 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, प्रिंट, एंड अगेन आई का वैल्यू 1 कम होगा, सो आई का वैल्यू अब हो जाएगा 2, सो 2 इज़ ग्रेटर देन 0, येस, सो प्रिंट। अगेन डिक्रीजमेंट होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 1, अगेन 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो अगेन प्रिंट होगा, और इस बार आई ग्रेट डिक्रीमेंट होगा और 1 जो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इज़ 0 ग्रेटर देन 0, तो आंसर इज़ नो, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, सो ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं होगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। सो लेट सी कि एज डिज़ायर्ड काम कर रहा है या नहीं है। सी अगेन 5 बार जो है वो हमारा प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। सो नाउ सेम चीज़ जो हमने वाइल लूप में किया है उसे हम डू वाइल लूप में करके देखते हैं। तो पहले वाइल लूप वाले पार्ट को हम कमेंट कर देंगे, अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों ही पार्ट हम डू वाइल लूप में करके देखेंगे। तो ये वाइल सेक्शन को हम कमेंट करते हैं यूजिंग कंट्रोल स्लैश, तो जितना सेक्शन आपका सिलेक्टेड होगा वो कमेंट हो जाएगा। अब आई का वैल्यू में पहले रीसेट कर देता हूँ 0 पे, पहले हम इंक्रीमेंट वाला पार्ट देखेंगे। सो पहले 2,
और फिर होगा हमारा वाइल, डू के बाहर हमारा क्या होने वाला है, वाइल होने वाला है। सी एरर भी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपने वाइल स्टेटमेंट नहीं दिया है, वाइल कंडीशन नहीं दिया है। ओके, कंडीशन नहीं है इसलिए दिखा रहा है। सो कंडीशन क्या है हमारा कि जब तक हमारा आई इनिशियली क्या है, ज़ीरो, जब तक आई का वैल्यू इज लेसर देन और इक्वल टू 5 तब तक आपका बॉडी जो है वो होना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो क्या है बॉडी में, सेम वही स्टेटमेंट में यहाँ से ले लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ हो गया कंट्रोल वी। ओके, और साथ में आपको आई का वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीमेंट भी कर देना है। सी सब जब ये रन होगा, मेन फंक्शन जब रन होगा, इनिशियली आई का वैल्यू ज़ीरो है, पहले डू चलेगा विदाउट एनी कंडीशन चेकिंग, क्या देख करेगा, प्रिंट कर देगा दिस इज सी एस टेक्टिव, आई का वैल्यू बढ़ाएगा, आई का वैल्यू ज़ीरो था तो अभी एक बढ़ के क्या हो गया 1, तो क्या 1 लेसर देन 5 है, लेसर देन इक्वल टू 5, यस 1 इज़ लेस देन 5, तो अगेन डू चलेगा, अगेन प्रिंट होगा, अगेन 1 का वैल्यू बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा 2, तो आई का वैल्यू अभी क्या है 2, तो क्या 2 लेस देन 5 है, यस, लेस देन इक्वल 5 है, तो अगेन ये प्रिंट होगा और अगेन आई का वैल्यू बढ़ेगा और इस बार आई का वैल्यू क्या होगा 3, क्या 3 लेस देन इक्वल 5 है, यस, सो अगेन प्रिंट होगा और अगेन आई का वैल्यू बढ़ेगा, इस बार आई का वैल्यू होगा 4, 4 लेस देन 5, यस, सो अगेन प्रिंट होगा और इस बार आई का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 5, 5 भी लेस देन 5 है, सो अगेन प्रिंट होगा एंड इस बार आई का वैल्यू बढ़ जाएगा और इस बार क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू 6, तो अगेन कंडीशन चेक होगा, क्या 6 लेस देन इक्वल 5 है, नहीं, तो इन दैट केस ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और डू फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो एक बार रन करके देखते हैं क्या हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है या नहीं। सी वाइल लूप कमेंटेड है तो वो नहीं चलेगा, जो भी अभी रिजल्ट मिलेगा आपको वो डू वाइल लूप के चलते मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली 5 टाइम्स जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब मैं कोई कंडीशंस नहीं बदल रहा हूँ, मैं सिर्फ आई के वैल्यू को 0 के बदले में कर देता हूँ 10। ओके, सो अब कायदे से क्या होना चाहिए, आप देख सकते हो आई का वैल्यू अभी 10 है, तो बेसिकली ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होगा ही नहीं क्योंकि 10 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 5। सो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये एक बार भी प्रिंट नहीं होगा, पर ये एक बार मिनिमम प्रिंट होगा, दैट इज़ द डिफरेंस। अब देखते हैं रिस रन करके, सी दिस इज सी एस्ट्रक्टिव, एक बार तो आया है, क्यों आया, क्योंकि डू पहले एग्जीक्यूट होगा, तो डू जब पहली बार एग्जीक्यूट हुआ तो क्या किया इसने, प्रिंट किया दिस इज सी एस्ट्रक्टिव और फिर उसका आई का वैल्यू बढ़ा दिया, ने अब आई का वैल्यू 11, इज 11 लेस देन 5, नहीं, 11 इज़ नॉट लेस देन इक्वल 5, तो डू स्टेटमेंट फिर से चला ही नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि डू वाइल लूप में भले आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो या ना हो, आपका जो बॉडी है वो एटलीस्ट वंस जो है वो क्या होता है, रन होता है। इवन डिक्रीमेंट के लिए भी सेम सॉर्ट ही चीज़ होगी, तो यहाँ पर डिक्रीमेंट के केस में हमारा क्या होगा, इनिशियली आई का वैल्यू हम रख देते हैं 5, ओके, प्रिंट वही होगा, बॉडी हमारी डिक्रीज होगी, सॉरी ये वेरिएबल जो है बॉडी के अंदर डिक्रीज होगा और यहाँ कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। इस बार मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक आई इज़ ग्रेटर देन 0 तब तक आपका जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। सी इनिशियली 5 है, एक बार पहले प्रिंट होगा, अगेन उसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो होगा 4, तो 4 ग्रेटर देन 0 है, येस, तो अगेन प्रिंट होगा, अगेन डिक्रीज होगा, आई का वैल्यू होगा 3, ओके, तो 3 ग्रेटर देन 0, अगेन प्रिंट होगा, अगेन डिक्रीज होगा, 2 होगा, 2 ग्रेटर देन 0, येस, सो अगेन डिक्रीज होगा, प्रिंट होगा, फिर अगेन डिक्रीज होगा 1 ग्रेटर देन 0, येस, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा और अगेन आई का वैल्यू डिक्रीज होगा और आई का वैल्यू हो जाएगा 0, 0 ग्रेटर देन 0 होगा क्या, नहीं, तो ऑब्वियसली बात है डू वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो रन करके देख लेते हैं, सी दिस इज सी एस्ट्रक्टिव, 5 टाइम्स आ चुका है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा पार्ट जो है वाइल और डू वाइल का वो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, दोनों के डिफरेंस को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में फॉलोअप देखेंगे, थैंक यू।